हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं जो हमारी सिंपल उड़ीसा पैन टॉयलेट्स होती है और टॉयलेट सीट होती है और एक होती है अपनी फ्लोर माउंट जो टू पीस सीट होती है जिसके अंदर सिस्टर्न बॉक्स जो अलग से लगता है पीवीसी के अंदर, वो हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं एक टॉयलेट के उस फ्लश पाइप के ऊपर किस तरीके से लगाते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा जो कि उस फ्लश टैंक जो कि सिस्टर्न बोलते हैं इसको, वो किस तरीके से फिट की जाती है, उसके अंदर के पार्ट्स किस तरीके से फिट किए जाते हैं और किस तरीके से उसको मैं A to Z आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा जो कि परफेक्ट तरीका होता है जो फिट करने का, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। और जो भाई चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। सो गाइस, आप मेरा दूसरा ब्लॉग चैनल भी आप सब्सक्राइब कर ले क्योंकि उसमें मैं बताता हूँ जो काम मैं करता हूँ किस तरीके से करता हूँ, कौन सी मिस्टेक होती है, एक एक चीज़ मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। सो जो भाई चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपके सामने देख सकते हैं मैं जो सिस्टर्न है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जो कि सैनी टफ कंपनी की है क्योंकि लोकल ही है, ज़्यादा नहीं है। और गाइस, इसके सीट कवर भी आते हैं, इसका काफ़ी सैनिटरी आती है। तो गाइस, इसमें अब क्या करेंगे, ये आपके सामने मैंने अभी इसका अनबॉक्स किया है और इसके अब मैं दोनों साइड से लॉक निकालूंगा। आप देख सकते हैं आपके सामने सिस्टर्न मैंने निकाल के हाथ में पकड़ी हुई है। गाइस, ये आपके सामने मैंने इसका ढक्कन खोल दिया और इसके अंदर से जो सामान निकलेगा, सबसे पहले गाइस ये लॉन्ग बैंड निकला और इसके बाद इसमें से एक बॉल कॉक निकलेगा जो कि इसके सारी एक्सेसरी इसके साथ मिलती है अंदर। और ये देख सकते हैं ये बॉल कॉक और इसके साथ ये रबड़ वगैरह निकलती है और इसको लगाया जाता है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे अब मैं क्या करूँगा कि इसके बॉल कॉक में बॉल जो बॉल को जोड़ूंगा, जैसे आप देख सकते हैं मैं बॉल को जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इसमें दो डंडे दिए जाते हैं जिसमें दोनों साइड हम बॉल टाइट कर सकते हैं डायरेक्शन के हिसाब से, ये आप देख सकते हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें इस बॉल को अब इस सिस्टर्न के अंदर फिक्स करेंगे। ये एक रबड़ रिंग हम बॉल को हमें लगा रहने देंगे, दूसरा रबड़ रिंग हम निकाल करके बाहर की ओर लगाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बॉल को उस होल में से क्रॉस कर लिया है जो कि वाटर इनपुट वाला होल है और इसका नट टाइट करूँगा, ये देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, गाइस इस नट को अपने पाइप रिंच या प्लास के साथ टाइट कर ले, मैं पाइप रिंच के साथ इसको टाइट करूँगा। ये देखिए इस तरीके से इसको टाइट, ज़्यादा टाइट ना करें क्योंकि गाइस ये प्लास्टिक की आइटम है, जो इसका जो चूड़ी वाला जगह होता है वो स्लिप हो जाती है। और ये देख सकते हैं यहाँ से हम इसका पानी का लेवल बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। और गाइस, इसके साथ इसमें लॉक दिए जाते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम यूज़ नहीं करते। और ये इसके साथ हम जो इसका हम क्या करेंगे, जो हमने स्पेशल एक बिट तैयार कर रखी है जो आगे से बिल्कुल तीखी है, सुई जैसी है, और उसके साथ इसमें होल निकाल रहे हैं। देखो इस तरीके से मैं होल निकाल रहा हूँ, ये आपको ये देखिए ड्रिल मशीन मैंने चला दिया। इसके अंदर हमने पहले से ही वर्मा तैयार करके रखा हुआ है कि जब हमने सिस्टर्न लगाना है तो उसमें होल निकालने के लिए ये बिट पूरे अच्छे तरीके से काम करती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब दूसरा होल निकालूंगा, मैंने पहले आपके सामने पहला होल निकाल दिया है, अब ये दूसरा होल मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए ये होल मैंने निकाल दिए हैं, ये देखिए ये होल हमारे रेडी हो चुके हैं। गाइस, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो इस सिस्टर्न को पहले इसका नीचे का कप खोलेंगे,
ये देखिए इसको खोलेंगे, ये देखिए, और इसकी अब रबड़ रिंग जो ब्लैक रबड़ रिंग है जो इसके ढक्कन के अंदर पड़ी है ये वाली, इस रबड़ रिंग को और कप को जो नीचे वाला ढक्कन है इसको हम पहले उस लॉन्ग बैंड में अटैच करेंगे, मतलब सेट करेंगे। ये देखिए ये मैंने उसके अंदर डाल दिया और ये मैंने रबड़ रिंग ऊपर से चढ़ा करके इसको सेट कर दिया। ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और गाइस इसके बाद हमने क्या करना है, जो सिस्टर्न है हमारी इसको हम उस लॉन्ग बैंड के पाइप के ऊपर सेट करके रखेंगे। ये देख सकते हैं ये मैंने लॉन्ग बैंड के उस जगह पे सेट करके रख दिया है। और इसके बाद हम गाइस क्या करेंगे, जो मैंने होल निकाले हैं अभी ड्रिल के साथ, उन होल के बीच में से मतलब हमें निशान लगाना है कि दीवार में हम किस जगह पे उस होल के हिसाब से पेच लगाएंगे, जब स्क्रू ड्राइव से इसको टाइट करेंगे तो वो जगह किस तरीके से निशान लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पास जो बिट थी अभी ये मैंने बिल्कुल सीधी कर ली, सिस्टम सीधी कर लेने के बाद इसमें उन होल जो यहाँ पे हमने सिस्टम के अंदर होल निकाले हैं उन होल के अंदर हम इसको सेट करेंगे, मतलब उसको उसके बीच में से निशान लगाएंगे। ये गाइस आपको दिखाई दे रहा है मैं उसी बिट के साथ जो हमने सिस्टम के अंदर होल निकाला उसी बिट के साथ मैं निशान लगा रहा हूँ, जो कि मैंने सिस्टम बिल्कुल सेट कर रखी है और अपने हिसाब से मैं होल का निशान लगा रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने होल निकाल दिया और ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा निशान है और यहाँ भी छोटा सा एक निशान है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इन निशान में हम होल निकालेंगे, ये देख सकते हैं ये मैं होल निकाल रहा हूँ, बिल्कुल पाइप वाली जगह से होल निकल रहा है, ये आप देख सकते हैं। गाइस होल कर लेने के बाद उन होल में हम गिट्टी लगाएंगे, जो कि प्लास्टिक की पीवीसी गिट्टी होती है उसको लगाएंगे और हथौड़े के साथ उसको सही तरीके से उसके अंदर सेट कर देंगे। जिस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं मैं जो वर्क कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल कट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो काम रियलिटी में मैं करता हूँ वही आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं अब मैं इस स्क्रू ड्राइव से इसको पेज को टाइट कर दूंगा, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस आपके सामने मैंने सिस्टम बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा दिया है, ये अंदर से देख सकते हैं हमारा बॉल को भी पूरे अच्छे तरीके से सेट है, लेवल वगैरह बिल्कुल सेट कर दिया है, क्योंकि गाइस इसमें 7 लीटर पानी जरूरी होता है, वरना क्योंकि 7 लीटर इसमें अच्छे से पूरा स्टोर होके हम फ्लैश करते हैं 7 लीटर हमारा वाटर नीचे को चला जाता है टॉयलेट में। और गाइस जो नीचे हमने रबड़ रिंग लगाया था लॉन्ग बैंड पे, ये देख सकते हैं आपके सामने, अब मैं टफलन टेप लूँगा और रबड़ रिंग के ऊपर से क्रॉस करूँगा और उसके चारों ओर कवर करता रहूँगा। ये देख सकते हैं आप, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको फास्ट फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो टफलॉन टेप मैं अच्छे तरीके से उस जॉइंट पे लगा रहा हूँ कि इस जगह पे गाइस ना तो सॉल्वेंट लगता है ना कुछ और, सिर्फ यहाँ पे टफलॉन टेप लगती है या यहाँ पे हम कोई भी लिफाफा जो होता है हमारा वेस्ट लिफाफा वो भी लगा देते हैं और रबड़ रिंग भी लगा देते हैं। जो रबड़ रिंग अच्छे से जो बढ़िया रबड़ रिंग मिलती है सिस्टम के साथ तब तो ये टेफ्लॉन टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर गाइस ये टेफ्लॉन टेप इसलिए लगाई जाती है कुछ टाइम बाद रबड़ रिंग जो है वो गल जाता है तो उसके बाद फिर लीकेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो इसलिए हम टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं कभी दिक्कत ना ही आए। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं अब इसको सेट कर रहा हूँ और इसका जो कप है ढक्कन उसको लगा रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है और अच्छे तरीके से इसको टाइट करके लगा दूंगा। अब इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसको
कनेक्शन पाइप लगाएंगे। ये गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने मैं पीवीसी कनेक्शन पाइप टाइट कर रहा हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको टाइट करेंगे। इसके साथ गाइस एक चाबी मिलती है, उसको मैं यूज़ नहीं किया क्योंकि तो हाथ से फुल टाइट हो चुका था, इसलिए मेरे को चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये आप देख सकते हैं और एंगल बोल्ट में मैंने कनेक्शन पाइप को टाइट कर दिया है। देख सकते हैं हम कितने गाइस, इसके अंदर एक रबड़ रिंग होती है, उस रबड़ रिंग के बगैर ये कनेक्शन पाइप किसी काम का नहीं है। तो रबड़ रिंग आप ध्यान रखिए, जब भी ये कनेक्शन पाइप टाइट करें तो रबड़ रिंग जरूर फिट करें, उसके बिना आप करोगे तो लीकेज नहीं रोक पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो रबड़ रिंग जरूरी है। ये देख सकते हैं ये हमने टाइट कर दिया और इसके बाद गाइस क्या करेंगे, हम इसका ढक्कन लगाएंगे इसके ऊपर। ये हमारा जो सिस्टम एकदम फिट हो चुकी है, सिर्फ इसका ढक्कन रह गया अपर पार्ट, अभी ये फिट करूँगा मैं। ये देखिए ये यहाँ से हम ऊपर इसका ढक्कन रख देंगे और इसके बाद हम इसके लॉक फिर से लगा देंगे। ये देखिए मैं लॉक लगा रहा हूँ, ये देखिए ये लॉक लगा दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड से लॉक लगा दूंगा। सो गाइस आपने देखा कि मैंने सिस्टम बॉक्स आपके सामने फिट करके दिखाया। गाइस सिस्टम बॉक्स के अंदर जो लॉक दिए जाते हैं स्पेशल, जिसके ऊपर हमारी सिस्टम लटकती है, वो लॉक हमने यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो लॉक कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई रिपेयरिंग वगैरह करते तो सिस्टम उसके ऊपर से निकल के गिरने को करती है, तो इसलिए हमने उन लोग को निकाल के सीधा होल निकाल के पक्का फिटिंग कर दिया, जो कि कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं आती। तो आप भी इस तरीके से करें, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको रिपेयर करनी पड़े, सिस्टम उतारनी पड़े, तो आपके दो स्क्रू खोले और निकाल के साइड पे कर दी, वो लोग के झंझट में पड़ोगे और दिक्कत आती है, क्योंकि उससे सिस्टम हिलती डुलती रहती है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। सो गाइज आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।